नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान जोर शोर से शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्य में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। आप बता दें आपको कि पहुंचेंगे और गुजरात चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री राज्य भर में कुल 25 रैलियां भी करेंगे और पीएम की रैलियों की योजना बड़े पैमाने पर बनाई गई है और जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। और पीएम मोदी 20 नवंबर को शौराष्ट्र दौरे पर जाएंगे, जहां वो केरावल, धोराजी और अमरेली और इसके साथ ही बोटाड जाएंगे और पीएम इन जगहों पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और पीएम मोदी के आज स्वागत के लिए वलसाड जिला बीजेपी के कार्यकर्ताओं और संगठन ने खास तैयारियां की हैं और वलसाड की पार्डी विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कन्नू देसाई ने आज होने वाले रोड शो के रूट का निरीक्षण भी किया है। वहीं पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास नज़र बनी हुई है और पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए 9 SP, 7 DSP और 40 PI और इसके साथ ही 90 PSI समेत 15,000 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात होंगे। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाह रही है और पीएम मोदी के अलावा 40 स्टार प्रचारकों का नाम पार्टी ने ऐलान किया है। इनमें JP नड्डा, शाह और इसके साथ ही आपको बता दें कि नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और भूपेंद्र पटेल, मनोज तिवारी जैसे नाम शामिल हैं और इसके अलावा गुजरात के स्थानीय नेता और मंत्री भी चुनाव प्रचार में अहम भूमिका निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैलियां करने पहुंच सकते हैं। यूपी के संभल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे चंदौसी SDM पर वैश्य समाज के नेता के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं SDM को अब वैश्य समाज के दो लोगों से जान का खतरा भी पैदा हो गया है। SDM ने वैश्य समाज के दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का पुलिस को आदेश भी दिया है। पूरा मामला चंदौसी शहर इलाके का है, जहां के पवन गुप्ता ने PC कर SDM चंदौसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने धारा 80 और 101 के बहाने करोड़ों समेत चंदौसी में 10 करोड़ की राशि को रिश्वतखोरी में वसूलने का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से रिश्वतखोरी का खेल करने का आरोप लगाया। वैश्य नेता पवन गुप्ता ने SDM चंदौसी राजपाल सिंह की जांच की मांग की है और मामला उच्च न्यायालय तक ले जाने की चेतावनी भी दी है, जिसके बाद SDM ने दो वैश्य समाज के लोगों से जान का खतरा बताया है और SDM ने प्रेम को दिए बयान में बताया गया है कि अपना जान का खतरा है और यह हैरानी की बात है कि तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद SDM को जान का खतरा तब पैदा हुआ है जब वैश्य नेता के SDM पर भ्रष्टाचार के आरोपों की छड़ी लगा दी गई है और SDM और वैश्य समाज के नेता की जंग इन दिनों लोगों की जुबान पर है। वहीं आपको बताते चले कि चंदौसी SDM राजपाल सिंह लंबे समय से चंदौसी में ही तैनात, जहाँ वे अब विवादों में घिरे हुए हैं। मेरे खिलाफ़ जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा है, किसी की मैंने शिकायत भी नहीं करी है जो ये कह रहे हैं मैं शिकायत करता हूँ, जो मैं शिकायत करता हूँ। और ना मैं ऐसा आदमी हूँ, ना मैं गुंडा हूँ, ना मैं बदमाश हूँ। मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, 1,49,00,000 रुपये परिवार हर साल टैक्स देता है। ये था कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए था और जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। 118 फाइलों की जब जांच होगी तो उसमें सारी चीजें निकल जाएंगी। और इसी खबर पर संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि SDM को सता रहा है अब जान का खतरा, पूरा मामला क्या है विस्तार से बताइए। तो आपको बता दें कि संभल में से खबर सामने आई है, जहां पर SDM ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें जान का खतरा है। आपको बता दें कि वैश्य समाज के लोगों से उन्होंने अपने आप को जान का खतरा बताया है और SDM ने प्रेस को दिए बयान में
ये भी बताया है कि उनकी जान को खतरा है। हैरानी की बात है कि तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद एसडीएम को जान का खतरा सताने लगा है, और जब वेश्य नेता एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोपों की छड़ी लगा दी है तो एसडीएम और वैसे समाज के नेता की जंग इन दिनों लोगों की जुबान पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चलें कि चंदोसी एसडीएम राजपाल सिंह लंबे समय से चंदोसी में तैनात हैं, जहां वे अब विवादों में घिरते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच में जुट गई है। आपको बताते चलें कि जहाँ एसडीएम को अब अपनी जान का खतरा सताने लगा है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने वैश्य समाज के ऊपर आरोप लगाया है और रिपोर्ट दर्ज करने पर पुलिस को आदेश दिया गया है। और पूरा मामला जो है चंदोसी शहर इलाके का बताया जा रहा है, जहां के पवन गुप्ता ने पीसी कर एसडीएम चंदोसी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो है वो लगाए थे। उन्होंने धारा 80 और 101 के बहाने करोड़ों समेत चंदोसी में 10 करोड़ की राशि को रिश्वतखोरी में वसूलने का आरोप लगाते हुए अवैध रूप से रिश्वतखोरी का खेल करने का आरोप लगाया है। तो संभल से खबर है, आपको बता दें, जहां पर एसडीएम ने जान का खतरा बताया है, यूपी के संभल से ये खबर सामने आई है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे चंदोसी एसडीएम पर वैश्य समाज के नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो वहीं एसडीएम को अब वैश्य समाज के दो लोगों से जान का खतरा पैदा हो गया है, और एसडीएम ने वैश्य समाज के दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करने पर पुलिस को आदेश दे दिया है। पूरा मामला बता दें आपको कि चंदोसी का है, चंदोसी इलाके का है, जहाँ के पवन गुप्ता ने पीसी कर एसडीएम चंदोसी के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, और उन्होंने धारा 80 और 101 के बहाने करोड़ों समेत चंदोसी में 10 करोड़ की राशि को रिश्वतखोरी में वसूलने का भी आरोप लगाते हुए अवैध रूप से रिश्वतखोरी का खेल करने का आरोप लगाया। वैश्य नेता पवन गुप्ता ने एसडीएम चंदोसी राजपाल सिंह की जांच की मांग की है, और इसके साथ ही मामला उच्च न्यायालय तक ले जाने की चेतावनी भी दी गई है, जिसके बाद से ही एसडीएम ने दो वैश्य समाज के लोगों से जान का खतरा जताया है। एसडीएम ने प्रेस को दिए बयान में ये भी जानकारी दी है कि उन्हें जान का खतरा है, और हैरानी की बात तो ये बनती है कि तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद एसडीएम को जान का खतरा तब पैदा हो गया जब वैश्य नेता के एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोपों की छड़ी लगा दी गई, और एसडीएम और वैश्य समाज के नेता की जंग इन दिनों जो है लोगों की जुबान पर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि चंदोसी एसडीएम राजपाल सिंह लंबे समय से चंदोसी में ही तैनात हैं, जहां वे अब विवादों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। संभल में दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ है, और दोनों पक्षों ने पुलिस पर पथराव किया है, और इस मामले में पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और दो पक्षों के बीच विवादों के दौरान पुलिस पर पथराव करने का पूरा मामला जो है संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के इलाके के ही गांव गुमसानी का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ है और जमकर मारपीट हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची, और जहां दोनों पक्षों ने उल्टे पुलिस पर ही पथराव कर दिया, और पुलिस पर पथराव की सूचना से महकमे में हड़कंप मच गया है। और इस मामले में SI आकाश कुमार की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल लगाया गया है। असमोली थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि ग्राम गुमसानी में ही दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी, और जिसमें दोनों पक्षों के 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और वहीं 3 महिलाओं सहित 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस को जारी कॉन्फ्रेंस में ही पुलिस पर पथराव दिखाया गया है, लेकिन अब पुलिस अपने ऊपर हुए पथराव की घटना से इनकार करती हुई दिखाई दे रही है। थाना असमोली के गुमसानी गांव में
एक ही वर्ग के दो पक्षों में विवाद के बाद कहा सुनी हुई और पथराव की घटना कारित हुई। इस सूचना पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह परस्पर हमलावर थे एवं पुलिस की बातें भी नहीं मान रहे थे। इस प्रकरण में संबंधित तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा स्वयं ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं 17 लोगों को घटना में नामजद किया गया है। इसमें 16 लोग गिरफ्तार होकर जेल भेजा जा चुके हैं। प्रकरण में अन्य शासन करते हुए कठोर विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इसी खबर पर संभल से संवाददाता प्रदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप मिश्रा, जिस तरह से मामला सामने आया है, पुलिस पर पथराव किया गया है और दो पक्षों में मारपीट का भी मामला सामने आया है, विस्तार से बताइए पूरा आखिर मामला है क्या? जी मैं आपको बता दूँ, आसमुद्र थाना क्षेत्र के गुमसानी क्षेत्र का मामला है ये। गुमसानी पुरानी रंजिश को लेकर पथराव हुआ था दो पक्षों में, जिसको सूचना पुलिस पहुंची थी मौके पर। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने बीच किया पथराव रोकने में प्रयास किया तो दोनों पक्ष पुलिस पर ही हमला हो गए, पुलिस पर पथराव करने लगे। उसके बाद जो पुलिस अपनी जाकर हो गई भाई संख्या पुलिस को पहुंच दिया। उसके बाद में जो है मौके पर जाकर लाइट भटकाकर तो उसके बाद में जो है सब डॉक्यूमेंट और करते हैं। उसके बाद 16 लोगों को गिरफ्तार करती है, 3 महिलाएं शामिल है, उन्हें जेल भेजने की तैयारी करती है। इधर एक आदमी फरार हो जाता है जिले में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल निशान ये है कि कानून व्यवस्था कहाँ है। कानून व्यवस्था में सवाल उठता है कि पुलिस को पता होता है, कानून अपने हाथ में लेते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे निकलने चला जा रहा है, इससे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल लगता है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस पर भी पथराव हुआ है प्रदीप, लेकिन पुलिस लगातार इनकार कर रही है कि उन पर पथराव नहीं हुआ है। जी मैं आपको बता दूं कि संजय सिंह जो है जो थाना अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदा प्रेस नोट जारी कर बताया था कि पथराव हुआ, उसके बाद में प्रेस नोट डिलीट कर देती है वो, और उसका कहते हैं पुलिस को पथराव नहीं हुआ है। मतलब अपने अपने ही सवालों पर घिरती है पुलिस वहाँ लगातार, तब थाना अध्यक्ष मतलब लिखित में आदेश करते हैं कि हाँ पथराव हुआ है हम पर लिखित में है, और उसके बाद में जो है प्रेस नोट जारी कर देती है मीडिया के लिए, और सब प्रेस नोट डिलीट कर देती है ग्रुप से, ग्रुप से, मतलब की पथराव नहीं हुआ। उस बात में फरियाद होती है पुलिस की। जय प्रदीप, विवाद आखिर इतना क्यों बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लग गई और इतना ज्यादा भयंकर मारपीट हुई कि वहां पर पथराव जैसी स्थिति पैदा हो गई? पुरानी रंजिश चली आ रही है, बर्चस्व की लड़ाई होती है गाँव के हाथों में, बर्चस्व की लड़ाई होती है। हर आदमी चाहता है कि मैं कंट्रोल रहे गांव पर, उसी को लेकर बर्चस्व की लड़ाई की है, और उसी को लेकर दो पक्ष आमने सामने हुए थे। जब आमने सामने हुए थे तो उसकी सूचना पुलिस को दी गई, वहाँ के लोगों द्वारा कई मौके पर केवल 2-4 सिपाही जैसे पहुंच जाते हैं पहुंच गए, उसके बाद उन पर ही बदलाव हो गया। उसके बाद पुलिस ने फिर उन्होंने थाने में सूचना दी, थाने के अन्य थानों की फोर्स पहुंची, अधिकारी लोग पहुंचे, उसके बाद में जाके कंट्रोल पाया गया। जी प्रदीप, पुलिस का क्या कुछ कहना है फिलहाल? फिलहाल पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए हुए है, वहाँ पर पुलिस तनाव है, गांव में काफी पुलिस पर तनाव कर लिया, शांति व्यवस्था कायम है, अब कोई ऐसी बात नहीं है फिलहाल तो। जी प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लगातार हमारे साथ बने रहिए। संभल में शराब के नशे में धुत कथित प्रोफेसर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है, जहां कथित प्रोफेसर ने पहले तो एक कार को टक्कर मार दी और फिर विरोध करने पर कार सवारों से जो सवार उसमें मौजूद लोग थे उनके साथ गाली गलौज भी करने लग गया। और यही नहीं, कथित नशेड़ी प्रोफेसर ने एक सिपाही को धक्का मारकर पुलिस को हटाने का भी चैलेंज जो है वो कथित किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नशेड़ी प्रोफेसर की करतूत कैमरे में कैद हो चुकी है। कथित नशेड़ी प्रोफेसर के हाई वोल्टेज ड्रामे का पूरा मामला जो है संभल जिले के चंदोसी कोतवाली के संभल तिराहे का बताया जा रहा है, जहां चंदोसी में अपने भाई को देखकर संभल के दो भाई कार से अपने घर जा रहे थे। आरोप है कि चंदोसी तिराहा पर पीछे से आ रही कार के चालक ने अपनी उनकी कार में ही टक्कर मार दी, और जिसकी शिकायत करने को दोनों भाई कार से नीचे उतरे तो कार चालक कथित प्रोफेसर ने गालियां की छड़ी जो है वो लगा दी, और इसके साथ ही अधिकारियों का करीबी बताकर रोब झाड़ने लगा, और पीड़ित भाइयों ने फोन कर पुलिस को बुलाया, मगर पुलिस के साथ भी आरोपी अभद्र व्यवहार करता हुआ साफ तौर पर दिखाई दिया। पुलिस उसे लेकर कोतवाली के करीब पहुंची और तो
साथ चल रहे सिपाही को धक्का मारकर आरोपी बोला कि पुलिस को हटा दो, प्रोफेसर का ये कारनामा कैमरे में भी कैद हो गया। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी का मेडिकल कराया है और इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद्र ने बताया है कि तहरीर के आधार पर आरोपी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और आरोपी का मेडिकल भी कराया जाएगा और वहीं गिरफ्तार आरोपी को बैकग्राउंड में भी लेकर जा रही है। थाना चंदौसी निवासी श्री हिमांशु गुप्ता ने थाने पर आकर एक सूचना दी कि प्रतिपक्षी श्री अरविंद द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है और गाड़ी में टक्कर मारी गई है। इस सूचना पर तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं प्रतिपक्षी को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं संभल से प्रदीप मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शराब के नशे में ये जो ड्रामा किया गया है, प्रदीप पूरा मामला विस्तार से बताइए। तो संभल के दो भाई जो चंदौसी जाते हैं अपने भाई को देखने, उनका भाई बीमार होता है, हॉस्पिटल में लेट जाते हैं और देखने के बाद जब संभल की वापसी आती है तो वहाँ चौराया पड़ता है, जो संभल चौराया कहते हैं उसको, भीड़ वाला चौराया होता है, काफी भीड़ रहती है वहाँ पर, पुलिस तो तनाव रहती है वहाँ पर। वहीं प्रोफेसर पीछे से आती है, उनकी गाड़ी टक्कर मार देती है और उसके बाद जब वो लोग टोकते हैं उन प्रोफेसर को कि आपने देखा नहीं गाड़ी टक्कर मार दी, उसी को लेकर विवाद हो जाता है वहां पर और प्रोफेसर नशे में इतने दोस्त होते हैं कि गाड़ी गलत करने लगते हैं, गाड़ी में टक्कर मारने लगते हैं। उसके बाद वहाँ जो सिपाही होते हैं खड़े हुए आस पास, पुलिस बल जो तनाव होता है वो पहुंचता है मौके पर, बीट जाओ को प्रयास करता है, नहीं उसी पीरियड में वो जो प्रोफेसर है शराबी प्रोफेसर जो कथित प्रोफेसर को शराबती है वो जो है धक्का मारते हैं सिपाही को, सिपाही भी धक्का मारते हैं मतलब आगे निकल जाती है, जिसको लेकर वहाँ विवाद ज्यादा पड़ जाता है। ज्यादा पड़ने के बाद फिर कोतवाली ले आती है, कोतवाली जाकर भी पुलिस पर धक्का मार देते हैं प्रोफेसर, इतने दमन प्रोफेसर हो जाते हैं कि वो कोतवाली जाकर भी नशे में दोस्त होते हैं कि वहां जाकर धक्का मार देती है वो, तो उसके बाद में उनका मेडिकल कराया गया, उनके आधार पर सवाल ये खड़ा होता है यहाँ पर, अगर प्रोफेसर ही ऐसी हरकतें करेंगे तो वो अपने छात्रों को क्या शिक्षा देते होंगे। जी सही बात है, ये सवाल बिल्कुल सही आता है कि जो आदमी शिक्षा के क्षेत्र में हो मतलब बच्चों को शिक्षा देता हो, वो आदमी अगर नशे की हालत में सड़कों पर उतरेगा तो किस प्रकार शिक्षा दे पाएगा और क्या गुरु मतलब शिक्षा ले पाएंगे छात्र भी उनसे। जी अब प्रोफेसर के ऊपर अब कौन से सख्त जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए प्रदीप। जी अभी फिलहाल पुलिस ने मेडिकल कराया था, उनका मेडिकल कराने का उन्होंने अभी 151 शायद उनका चलान होगा, 151 की जमानत उठानी पड़ेगी उनको कि FIR दर्ज हो गई है। जी प्रदीप पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पर फिलहाल। नहीं पुलिस का सीधा कहना है कि अगर गुंडे कोई नहीं करेगा, गुंडे बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अगर चाहे प्रोफेसर हो या कोई अन्य भी हो, अगर वो गुंडे करता है नसीब बदतमी नहीं करता किसी के साथ तो उसके खास कठोर कार्रवाई की जाएगी, कानून के नियमानुसार होगी वो कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें संभल से खबर है जहां पर शराबी प्रोफेसर साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है और इतना शराबी कि शराब के नशे में धुत था प्रोफेसर कि उसे सुध भी नहीं रही और उसका वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अभद्र भाषा का प्रोफेसर ने इस्तेमाल किया है और सवाल ये भी उठते हैं कि अगर प्रोफेसर ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, शराब के नशे में पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं तो वो अपने छात्रों को क्या ही शिक्षा देते होंगे। वहीं शाहजहांपुर में खर्चीले शौक पूरे करने के लिए युवकों ने खौफनाक कदम उठाया है। आपको बता दें कि जलालाबाद पुलिस ने रात गश्त के दौरान सरिया मेड़पाड़क के पेड़ के नीचे से ही 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जिनकी पहचान अजय, ब्रजेश उर्फ रामलाल, हिमांशु मिश्रा के रूप में की गई है और ये युवक जो हैं अपने खर्चीले शौक पूरे करने के लिए लूट की योजना बना रहे थे। उनके पास से नाजायज असला टॉर्च चाकू बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें जेल भी भेज दिया है।
तो आपको बता दें शाहजहांपुर से खबर है जहां पर 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि इनके पास चाकू और असला भी बरामद किया गया है। और इतना ही नहीं, अभियुक्तों के शौक इस तरह के थे कि ये कोई भी घटना को अंजाम दे सकते थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्त के दौरान इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर जिले के कांट थाना क्षेत्र में महिला के पति विकास को अपनी पत्नी और छोटे बच्चे की फिक्र सताने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि विकास की पत्नी शोभा जो है जेवरात और नकदी लेकर प्रेमी संग फरार हो गई और पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि शादी से पहले ही उसका प्रेम प्रसंग हो गया था और मामला कांट थाना क्षेत्र के मोहल्ला पट्टी का है। यहाँ पूर्वी निवासी विकास कुमार की 5 मई 2021 को जलालाबाद कस्बा निवासी शोभा के साथ शादी हुई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। और 3 महीने पहले शोभा ने बेटे को जन्म दिया था और 13 नवंबर सुबह करीब 7 बजे शोभा ने चाय में नींद की गोलियां मिलाकर पति विकास ससुराल और इसके साथ ही सास मदावती को पिला दिया और तीनों लोग जब बेहोश हो गए तो शोभा जो है वो घर में रखे करीब 4.5 लाख रुपये के कीमती जेवर और नकदी लेकर अपने प्रेमी संग वहाँ से फरार हो गई। और बताया जा रहा है कि अपने 3 महीने के बच्चे को भी वो वहाँ छोड़कर चली गई है। बेहोशी से बाहर आने के बाद विकास को जानकारी हुई तो उसने एहसास उर्फ पंगा अपने भाई जिशान और नन्हे के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई है। पुलिस ने गुरुवार को शोभा और उसके प्रेमी को रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास जेवर भी बरामद हुए हैं। प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि दोनों को जेल भेजा जा रहा है और शोभा ने बताया कि जब वो 3 साल पहले इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही थी और तो उसका इंस्टाग्राम के जरिए एहसान से प्रेम प्रसंग हो गया था। दोनों के बीच जब नज़दीकियां बढ़ गई तो उसके माता पिता ने पाबंदी लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन शादी होने के बाद वो फिर भी अपने प्रेमी से मिलने लगी थी। एहसान ने उसे नींद की गोलियां लाकर भी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। थाना काट पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है जिसमें एक महिला जिसका नाम शोभा है अपने प्रेमी एहसान के साथ में अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशे का पदार्थ खिलाकर सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद घर में रखी और नकदी लगभग 50,000 लेकर चली गई थी। देश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, वहीं राजस्थान के भी कुछ हिस्सों के तापमान में कमी दर्ज की गई है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज 19 नवंबर को उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट देखी जा सकती है। राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ये सुबह के वक्त हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि दिल्ली के तापमान में गिरावट के साथ प्रदूषण का स्तर भी एक तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल शाम 6 बजे के करीब दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर AQI 296 दर्ज किया गया है जो खराब श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है और इसके अलावा गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। गाजियाबाद और लखनऊ की अगर बात कर ले तो यहाँ पर कोहरे का कोई पूर्ण अनुमान नहीं है। मौसम पूर्ण अनुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पश्चिमी हिमालय पर चल रहा पश्चिमी विक्षोभ पूर्व की ओर बढ़ गया है। इससे पंजाब हरियाणा दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। उत्तर पश्चिमी दिशा में आने वाली ये ठंडी हवाएं आज 19 नवंबर तक जारी रहेंगी। इस तरह तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।